ये देखो अभी ये करीब 450 ब्लैक एस्ट्रोलॉग के बच्चे लेके आए हैं, तो ये करीब 5-6 महीने में रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप, और दोस्तों ये फ्री रेंज में भी कर रखा है, मैं उस साइड जा नहीं सकता थोड़ा, तो ये फ्री रेंज भी है एक टाइप से, उसके ऊपर शेड नहीं है, इधर बाहर भी चले जाते हैं अंदर भी आ जाते हैं, जैसे शाम होती है तो अंदर आ जाते हैं जब इनका मन करता है। तो ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू व्लॉग्स में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक देसी पोल्ट्री फार्म है, तो मैं फिर से एक देसी पोल्ट्री फार्म पे आ गया हूँ। तो आपको ये मैं देसी पोल्ट्री फार्म दिखाता हूँ, विजिट करवाता हूँ, और मैं इसका एड्रेस अपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जहाँ से आप जो इसके ओनर हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप इनसे चूजे भी ले सकते हैं, देसी मुर्गी भी ले सकते हैं, बाकी मैं पूरा नंबर भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है देखो देसी पोल्ट्री फार्म, इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, ऊपर ये साइड लगा रखी है सीमेंट की, और ये नीचे इस तरीके से इन्होंने पहले ये केचुए का सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने, वर्मी कंपोस्ट का। तो ये देखो साइड मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो, तो इन्होंने इसी यूनिट के अंदर अब देसी पोल्ट्री जो है वो स्टार्ट कर दी है। और अभी ये कुछ दिन पहले ब्लैक एस्ट्रोलॉग के बच्चे भी लेके आए हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे ये घूम रहे हैं, ये ब्लैक एस्ट्रोलॉग के बच्चे हैं। और ये देखो अभी ये करीब 450 ब्लैक एस्ट्रोलॉग के बच्चे लेके आए हैं, तो ये करीब 5-6 महीने में रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपको ब्लैक एस्ट्रोलॉग का मीट के लिए पर्पज़ से चाहिए, तो भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इनके जो अंडे चाहिए हैचिंग के लिए वो भी ले सकते हैं। और आप अगर अंडे के शौकीन हैं तो अंडे भी 6 महीने बाद इनसे करीब ये प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा अंदर भी, इनके पास में कड़कनाथ के भी हैं और देसी टैनी भी है, और आपको ये दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा RIR के भी हैं इनके पास 2-4, और ये देखो, और ये देखो खरगोश भी है इनके पास में। अगर किसी भाई को पालने के लिए खरगोश चाहिए हो तो भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो खरगोश हैं वो भी करीब इनके पास में 3500 रखे हैं, ये थोड़े बहुत खरगोश लेके आए थे, और काफ़ी जल्दी प्रोडक्शन हो जाती है खरगोश की। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने ये जाली लगा रखी है, तो इस साइड इनके देसी के मुर्गे हैं, और ये ब्लैक एस्ट्रोलॉग के चूजे डाले हैं इन्होंने अभी। ये देखो आप एक बार नस्ल देख लो, ये देखो मैं आपको थोड़ा इसके अंदर भी जाके दिखाता हूँ आपको, और आपको मैं सेड भी दिखाऊंगा किस तरीके से इन्होंने ये सेड बना रखा है। ये देखो, और यहाँ पे ये ड्रिंकर और फीडर भी रख रखे हैं, जो नए चूजों को चाहिए होते हैं उस हिसाब से इन्होंने ड्रिंकर और फीडर रख रखे हैं, ये देख लो। और ये करीब 15 दिन के बच्चे हो गए हैं, और ये इनका देसी है। चलो मैं इनको थोड़ा दिखाता हूँ चल के आपको, कौन सी ब्रीड के हैं, अगर आपको खरगोश भी लेने हो तो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखो, तो दोस्तों ये मैं देसी वाले सेक्शन में आ गया हूँ, तो ये नस्ल इनके पास में है, ये देखो, ये देखो, और इस तरीके से बना रखा है, और ये देखो इनके पास में ये कड़कनाथ भी हैं, और देसी टैनी भी है, और कुछ RIR के भी मेरे को दिख रहे हैं, और ये देखो देसी ये इधर बाहर भी घूम रही है, और ये, और देखो इनके पास में खरगोश के भी, देखो खरगोश का भी इंटीग्रेटेड सिस्टम कर रखा है एक तरीके से, मतलब खरगोश भी इसके अंदर इन्होंने डाल रखे हैं। बाकी अच्छा, इनसे खरगोशों से कोई दिक्कत तो नहीं होती ना सर? कोई दिक्कत नहीं होती सर, बता रहे हैं जैसे कि, और मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, खरगोश कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। और ये देखो इन्होंने अंडे भी दे रखे हैं, ये देखो, अगर कोई भाई शौकीन है देसी अंडे का तो भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या आके लेके जा सकता है। ये देखो, और दोस्तों ये फ्री रेंज में भी कर रखा है, मैं उस साइड जा नहीं सकता थोड़ा, तो ये फ्री रेंज भी है एक टाइप से, उसके ऊपर शेड नहीं है, तो इस तरीके से इन्होंने फ्री रेंज में ये शेड
उसके ऊपर है नहीं, तो इस तरीके से बना रखा है। मैं थोड़ा यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऊपर एकदम ओपन है, तो ये फ्री रेंज में भी यहाँ से चले जाते हैं। ये देखो ये यहाँ से इधर बाहर भी चले जाते हैं, अंदर भी आ जाते हैं। जैसे शाम होती है तो अंदर आ जाते हैं जब इनका मन करता है। तो एक तरीके से ये फ्री रेंज फार्म भी है। और देख सकते हो आप क्वालिटी, एक बार देख लो आप। अगर किसी को लेना हो तो कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, एड्रेस मिल जाएगा आपको। ये देखो